टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किए गए वो भी आपको समझना होगा, अलग अलग क्योंकि उम्मीद लगातार एक ही जा रही थी। 2.5 लाख से 5 लाख में पहले 5% था, अब 5% अभी है। 5 लाख से 7.5 लाख में 10% पहले था, वो भी 10% अभी भी बरकरार है। साथ ही 7.5 लाख से 10 लाख में 15% पहले था, वो 15% अभी भी है, बरकरार है, इसको टच नहीं किया गया। 10 लाख से 12.5 लाख में 20% था और अब भी 20% है। और साथ ही 12.5 लाख से 15 लाख में 25% अभी भी 25% है। और साथ ही 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% अभी भी 30% है। लेकिन 75 साल से ऊपर के उम्र के जो सिटीजन्स हैं उनको टैक्स में छूट दी गई है, इनकम टैक्स में उनको छूट दी गई है, लेकिन वो भी सिर्फ उनको जो पेंशनधारी हैं। अब यहाँ पर हालांकि थोड़ी सी राहत सिटीजन्स को मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहाँ पर भी रोड़ा इसलिए बना दिया गया क्योंकि पेंशनधारी जो है उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, बाकी जो 75 ईयर से ऊपर के सिटीजन है उनको फायदा नहीं मिलेगा। ये टैक्स स्लैब है, हालांकि इसको छेड़ा नहीं गया है, पहले भी जो उम्मीद की जा रही थी वही तस्वीर। अब 75 साल से ऊपर वाले सिटीजन्स को जो फायदा मिला है वो एक बार बारीकी से आपको समझाते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया गया, वो स्पेशल ऐलान क्या है समझिए, 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत मिलेगी। अब ये राहत कितनी बड़ी होगी, 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा, ये अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को ही लाभ इसका मिलेगा, यही हम कह रहे थे कि सिर्फ पेंशनधारी जो है उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें आगे आती रहेंगी, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। डबल टैक्स सिस्टम जो है उससे थोड़ी सी रियायत उनको दी जा रही है, लेकिन इससे भी ये तस्वीर साफ नहीं होती कि सिटीजन्स को सीधा फायदा सरकार ने पहुंचाया है। एक लिमिट बना दी गई है, लाइन खींच दी गई है कि सिर्फ जो पेंशनधारी है जिनको पेंशन का लाभ मिल रहा है उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा और बाकी जो सिटीजन है उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। अब NRI जो है उनको जिस तरीके से अभी तक परेशानियों का सामना NRI को करना पड़ रहा था वही आगे भी रहेगा।